गुड मॉर्निंग गाइस, गोवा दर्शन के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज हम पारोलिम बीच के वन ऑफ द फेमस एक्टिविटी करने वाले हैं, जो कि बोट ट्रिप। ये जो बोट है पारोलिम टू बटरफ्लाई बीच तक हमें लेके जाएगा। बीच में बहुत सारे व्यू, प्राइस डिटेल, एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, सारे ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। तो बने रहिए और एक्सपीरियंस करते हैं पारोलिम बीच के बोट ट्रिप। हम लोग निकल गए, जल्दी जाएंगे, आज बोट राइड मारेंगे। ये साइड में आप देखो तो यहाँ पे जो ये बोट दिख रहा है ना, ये सारे डॉल्फिन ट्रिप के लिए, जो बोट ट्रिप बटरफ्लाई बीच के लिए जा रहा है। 1.5 या 2 घंटे का कुछ टाइमिंग होता है, वो भूख लगेगा, पहले कुछ खाते हैं और उसके बाद जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, चलिए। नो टाइम हो रहा है और धूप अभी काफ़ी निकल आया है। पेट पूजा हो गया, वड़ा पाव चाय मारा है सुबह सुबह। रेडी कैसे किले गया था प्राइवेट शेयरिंग तुमको तो 2000 पड़ेगा। रेट फाइनल कर रहे हैं, अगर रेट फाइनल हुआ तो जाएंगे, देखेंगे कितने क्या चार्जेस है यहाँ का। तो यहाँ पे आपको थोड़ा प्राइस का ध्यान रखना पड़ेगा। इनके पास अगर लोग हैं, 10 लोग हो रहा है तो आपको थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है। और उनके पास अगर लोग नहीं है, बोट में कम है, तो आपको वो प्राइस जो है एडजस्ट करने के लिए ट्राई करते हैं। हमको पहले इन्होंने बोला था 2002 करके, हमने बार्गेनिंग करना है और हमने 1000 रुपये में डन किया। तो 500 रुपीज़ पर पर्सन ये बटरफ्लाई बीच तक लेके जाएंगे। ये सारे बोट हैं यहाँ पे, कुछ लोग आप देख रहे हो, लोग बोट कर रहे हैं जाने के लिए। और यहाँ पे कायाकिंग भी हो रहा है, सुबह सुबह कायाकिंग भी चालू है। पर कायाकिंग जो है, हम लोग इवनिंग में कायाकिंग का मज़ा अलग आएगा। अभी हालांकि थोड़ा गर्मी है तो मज़ा नहीं आएगा, टायर्ड जल्दी हो जाएंगे। अभी इतना लोग नहीं है, पर कायाकिंग अभी यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कायाकिंग भी चालू हो गया है। तो चलते हैं, जल्दी से बोट में एंटर करते हैं और व्यू के साथ बटरफ्लाई बीच में मिलता हूँ। चलिए, सामने जो आप देख रहे हो ये मंकी आइलैंड है, इसके बगल से आपका बोट निकलेगा और यहाँ तक लोग कायाकिंग करते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे यहाँ पे कायाकिंग होता है। और दूर आपको दिख रहा होगा कॉर्नर में, वहाँ पे वो जो है शार्क रॉक है, फोटोशूट के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं। और जब आप बोट से ट्रैवल करते हो, जो व्यू है गजब है। पीछे का नज़ारा देख रहे हो, मंकी आइलैंड का नज़ारा। यहाँ पे एक रॉक है, टोटल टाइप दिखेगा, मेरे ख्याल से आगे रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी तो मस्त है, ये आइलैंड के साइड से ही ये बोट हमारे निकल रहा है। पीछे हमारे साथ है कुछ कपल से और फैमिली है, और प्रशांत यहाँ पे बैठा है हमारा, फोटोशूट में व्यस्त है। सुबह के टाइम पे बेस्ट रहेगा, दोपहर के टाइम पे तो धूप होगा, तो सुबह आप जाएंगे तो बेस्ट होगा, या फिर सनसेट के टाइम पे जा सकते हो, इवनिंग भी अच्छा रहता है। आपको यहाँ पे जाना है या निमुन बीच पे जाना है? वो निमुन बीच है ना, वो ठीक नहीं है। जब आपको यहाँ पे जाना है ना, वो पीछे इंजन है ना, यहाँ से फटाफट नीचे जाना होगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है। ये जो दिखाया है ये बटरफ्लाई बीच है, यहाँ पे भी आप आधे घंटे के लिए उतर के फ़ोटोशूट, बीच एक्टिविटी कर सकते हो, या फिर आपको हनीमून बीच का ऑप्शन मिलता है। हनीमून बीच पे भी आपको टाइम देते हैं, दोनों में से एक कोई भी आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो हमने सिलेक्ट किया, पहले जाके हनीमून बीच देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कहाँ उतरना है, बटरफ्लाई या हनीमून बीच। तो ये जो
आपको रॉक दिख रहा है ना, ये वाला जो है टोटल शेप वाले रॉक है। बोट हमारा थोड़ा आगे जाने के बाद आपको एग्जैक्टली कछुए के शेप में आपको दिखेगा ये रॉक। आपको दिखा दे ये। तो फाइनली सामने आप देख सकते हो ये जो पत्थर अभी कछुए के शेप में दिख रहा है, टॉर्टोइस के शेप में। बोट आपका यहाँ तक आएगा और इसके बगल में ही बिल्कुल हनीमून बीच है, वहाँ तक भी लेके जाएगा आपके पास। थोड़ा क्लोजअप लेके जा रहा है दिखाने के लिए। आप देख सकते हो कितना सुंदर, बिल्कुल टॉर्टोइस टाइप दिख रहा है। और दूसरे बोट भी आ गया है, आप देख रहे हो ये लोग हनीमून बीच से आए। दो ऑप्शन मिलेगा, हनीमून बीच में या फिर बटरफ्लाई बीच। ये दोनों बीच पे आपको उतरने का चांस मिलेगा। हनीमून बीच के आसपास जो टॉटर रॉक है ये आपको देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से आपको बटरफ्लाई बीच में उतरना चाहिए। आपको थोड़ा अगर बीच में पानी वगैरह एंजॉय करना है तो बटरफ्लाई बीच बेस्ट है। हनीमून बीच तो रॉकी है, वहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है आपको नहाने के लिए। तो हमने फाइनल डिसाइड किया, सभी लोगों ने बोला कि बटरफ्लाई बीच में थोड़ा टाइम रुकेंगे, फोटोशूट वगैरह पानी में थोड़ा एंजॉय करना है, तो यहाँ पे ही करने का बेस्ट ऑप्शन है। थैंक यू। तो फाइनली हम अभी है बटरफ्लाई बीच में। ओ घुमाता हूँ, ऊपर जाएंगे यहाँ से ना, फोटो बहुत मस्त आता है। जो बोट से आए हैं उतना ही टूरिस्ट है, बाकी ज़्यादा तो है नहीं। छोटा सा बीच है और इसका व्यू आप देखो गजब है। पूरा ब्लू वाटर है, क्लीन है, काफ़ी क्लीन वाटर पर डीप है। हाँ, इसमें नहाना थोड़ा रिस्की होगा, पूरा सडन डीप है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं वेडिंग फ़ोटोशूट वगैरह करने के लिए, यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ा ऊपर, हाँ क्या बोलते हैं उसको, क्लाइंब करना पड़ेगा, रॉक क्लाइंब करना पड़ेगा और ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, डायरेक्ट ऊपर, उनको पॉइंट पता है उधर से फ़ोटो अच्छा आएगा करके। तो वहाँ पर हम भी जा रहे हैं, ओ ट्रैक करके ऊपर जाना है, क्लाइंब करना पड़ेगा। और ऊपर से जो व्यू दिखेगा बटरफ्लाई बीच का, ये असली व्यू आपको दिखेगा। थोड़ा उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। पीछे देख रहे हो, पीछे हमारा ये नज़ारा बटरफ्लाई बीच। और ऊपर जा सकते हैं या यहाँ तक ही जा सकते हैं? ओह हो, बहुत सारे अपने इंस्टा फोटोज डीपी वेडिंग फ़ोटोशूट में देखा रहेगा ये प्लेस। यहाँ से जो नज़ारा आता है, जो फोटोज आता है ना, गजब का है। ऊपर भी जा सकते हैं ना, यहाँ से निकालेंगे ना थोड़ा एक दो फोटोज अपने जाएंगे। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ पहले। हाँ अंकल वहाँ पे चिल्ला रहा है, इधर है बहुत चिल्ला रहा है कि आ जाओ, जाना है इधर को। ज़्यादा से ज़्यादा आपको आधा घंटा यहाँ पे मिलेगा बोट पे आ रहे हो तो आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो आप अपने बाइक और ट्रैक करके आ जाओ। आपको जितना टाइम यहाँ पे रुकना है रुक सकते हो। बोट से तो आधे घंटे में आपको रिटर्न जाना पड़ेगा ट्रैक करके। अंकल पूरा गर्म हो गया बोट में, टाइम अप हो गया हमारा। यो, तो ये था बोट राइड। फाइनली बोट राइड हमारा ख़त्म हो गया है। बटरफ्लाई बीच 2 घंटा मैक्सिमम आपको टाइम चाहिए, बस आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पालोलिम बीच टू बटरफ्लाई बीच। आप बोट राइड भी कर सकते हो, पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप अगर चैनल में नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखिएगा। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। बाय बाय।